मॉनसून के समय बिहार में डेंगू एक महामारी के रूप में उभरती रहती है। राज्य में पिछले 10 सालों से डेंगू का प्रकोप जारी है। खासकर पटना में पिछले साल तो डेंगू शहरवासियों पर कहर बनकर टूटा था। 19 मौत के अलावा 10,000 लोग इससे ग्रसित हुए थे। वहीं बता दें कि पटना सिटी से दानापुर तक शायद ही कोई मोहल्ला डेंगू के प्रकोप से बचा होगा। इस बार भी हालत बहुत सुधरी हुई नजर नहीं आ रही। बता दें कि 30 से अधिक मोहल्ले हॉटस्पॉट बन चुके हैं। चिकनगुनिया का भी ग्राफ ऊपर बढ़ गया है। मानसूनी बारिश ने पटना वासियों को गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन इसके साथ ही उनके मन में डर भी भर दिया है। जगह जगह हुए जलजमाव और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप ने एक बार फिर डेंगू का डर बना दिया है। बता दें कि मच्छरों को नियंत्रित करने में नगर निगम और सिविल सर्जन कार्यालय स्तर पर बढ़ती जा रही है। कार्यालय स्तर पर बढ़ती जा रही लापरवाही एक बार फिर भारी पड़ सकती है। पिछले साल डेंगू से प्रभावित रहे मोहल्ले के निवासियों से बात करने पर उनकी यह चिंता सामने आई थी। बता दें कि पिछले वर्ष बागीपुर, पाटलिपुत्र और कंकरबाग अंचल के 2 दर्जन से अधिक मोहल्ले डेंगू के हॉटस्पॉट बने थे। जगह जगह हुआ जल जमाव इसका कारण था। हालांकि डेंगू का प्रकोप पिछले वर्ष उन मोहल्ले में भी खूब रहा जहां अपेक्षाकृत जम जमाव कम था। बाजार समिति, पाटलिपुत्रा, आरपीएस मोड़, कंकरबाग, बांकीपुर, आरपीएस मोड़, दानापुर, पटना सिटी के लोहरवा घाट, स्टैंड रोड, नया गाँव, बांसकोटी, दीघा, कुम्हरार, एग्जीबिशन रोड, इन सभी जगहों पर काफ़ी अधिक केस सामने आए थे। बाजार समिति निवासी ने बताया कि बारिश के बाद बाजार समिति का बड़ा हिस्सा तालाब में तब्दील हो गया। कई मोहल्ले में भी पानी जमा है। इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है और डेंगू का डर भी सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।